चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दिखाते हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां अभी अभी बारिश बंद है, लेकिन कल परसों हल्की बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम है कि बचाव में अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, सुनिए। ठीक है, एक दो जगह जल जमाव है जिसकी ओर आपने इंगित किया, उसके भी सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन पटना में और जो एक बड़ा एक बृहद पटना है, आप उसको देखें तो लगेगा कि जल निकासी हुई है। राजधानी पटना के बारे में जो बयान आपने सुना वो बिहार के डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद का है। डिप्टी सीएम का दावा है पटना में एक दो जगहों पर ही जल भराव की समस्या है, लेकिन ये छह तस्वीरें साफ तौर पर डिप्टी सीएम के दावे का खंडन करती हैं। जिन छह जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पटना के वीवीआईपी इलाकों की हैं। और भी कई इलाके हैं जहां हालात बदतर हैं। इन वीवीआईपी इलाकों के दर्शन भी हम आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले जल भराव की समस्या पर डिप्टी सीएम तारकिशोर कितने गंभीर हैं उनकी जुबानी सुनिए। जब वर्षा होगी तो जल का जमाव होगा, लेकिन फिर चार घंटे छः घंटे में जल की निकासी भी होती है, और किसी एक वर्षा से पटना का कितना आकलन कीजिएगा, बरसात होती रहती है। डिप्टी सीएम ने बिल्कुल सही कहा, बारिश होगी तो जल जमाव होगा, लेकिन उस जल जमाव से निजात पाने के लिए जिस ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है क्या उसका इंतजाम किया गया है? तस्वीरें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये बिहार के विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं जहां राज्य की नीति तय होती है। फिलहाल उसकी खुद की नियति में लबालब पानी भरा हुआ है। ये डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की सहयोगी डिप्टी सीएम रेणु देवी का सरकारी आवास है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के पास आपदा प्रबंधन विभाग भी है, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम खुद आपदा के सामने असहाय नजर आ रही हैं, तो राज्य का प्रबंधन तो राम भरोसे ही होगा। मौजूदा डिप्टी सीएम के घर के बाहर से अब पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के घर का रुख कर लीजिए। पानी घर के बाहर ही नहीं, भीतर भी दस्तक दे चुका है। बिहार के नीति निर्माताओं के घर और दफ्तरों का हाल तो आपने देख लिया। अब विकास के मानक सड़कों का हाल भी देख लीजिए। ये रोड पटना एयरपोर्ट जाती है, लेकिन तस्वीरों में रोड कहीं नजर नहीं आती। बस चारों तरफ पानी का सैलाब है और आधी आधी डूब कर जाती गाड़ियों से एहसास होता है कि नीचे सड़क जरूर होगी। गर्मियों से मौसम बरसात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार है। अस्पतालों पर पहले से ही कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी है, ऐसे वक्त में अस्पताल भी पानी से हार रहे हैं। उसका नमूना है पटना का ये ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल, जहां हॉस्पिटल परिसर के बाहर और अंदर पानी ही पानी भरा हुआ है। डिप्टी सीएम के बारिश होगी तो जल जमाव होगा ही वाले बयान से जनता भी कनेक्ट कर रही है। इसकी मिसाल है बिहार के भागलपुर की ये तस्वीर। गंगा के कटान से इलाके के कई घर, खेत और पुल जलमग्न हो गए हैं। सरकार से उम्मीद छोड़ चुकी जनता गंगा मैया से प्रार्थना कर रही है कि हमारे घर को बचा लीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।